दोस्तों, मैं मिजोर आज आपको बताने वाला हूँ कि डेड फोन को चेक कैसे करते हैं, यानी बड़े इजी वे में उसकी बक लाइन क्या होती है, उसकी कोर लाइन कौन सी होती है, उसकी एमएमसी की लाइन कौन सी होती है। डेड फोन की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको चेकिंग बताएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डेड फोन को रिकवर कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक फोन है रेडमी 6A, ये फोन डेड है, कहीं से वापस भी आया। आप देख सकते हैं बोर्ड पूरा खुला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे बोर्ड में आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना काम हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी सारी सील भी उतरी है, लेकिन यहाँ पे मैंने पीछे जब देखा तो यहाँ पे आपका सीपीयू के साइड कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीपीयू के साइड कोई काम नहीं हुआ, जो काम हुआ है हमारा इसी साइड में हुआ, ठीक है। तो इसी बोर्ड को आज हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि डेड फोन को बड़े आसानी से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि इसकी चेकिंग क्या होती है, ठीक है। रोक लेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है। बैटरी कनेक्टर पे कभी भी मेरे भाई आपके पास अगर डेड फोन आता है तो सबसे पहले आप बैटरी कनेक्टर की जीआर चेक करें। जीआर से ही हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे लीकेज सॉर्डिंग ये सब तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम बैटरी कनेक्टर पे जीआर चेक करते हैं, तो आपको रेड प्रॉप को ग्राउंड और ब्लैक प्रॉप को हम लगते हैं प्लस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रीडिंग हमारी आई 427। अगर 427 आई तो यहाँ पे रिवर्स बाय में हमें चेक करना है, रिवर्स बाय यानी ब्लैक को ग्राउंड, रेड को हमारा प्लस पे रखना है। यहाँ पे हमारा 1258 है, इससे मैं पता लगा कि हमारे फ़ोन में लीकेज और सॉर्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे भाई अगर आपके बैटरी कनेक्टर के प्लस पे 220 से 600 तक मिलता है और रिवर्स में आपका 1000 से अप मिलता है, यानी 1200 के ऊपर मिलता है, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें लीकेज और सॉर्डिंग की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन हम इसमें श्योर नहीं होते क्योंकि ये जो रीडिंग हमें प्राइमरी आईसी की देती है यानी डीसी टू डीसी आईसी की देती है, अब हमें इसकी सेकेंडरी लाइन की चेक करने के लिए डीसी मशीन का सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम इसकी जो है टीएच और आईडी की लाइन चेक करते हैं, तो इससे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं डेड फोन के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आईडी की लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 790 आई है। अब इसकी आईडी की लाइन पे देखेंगे, आईडी की लाइन पे 810 आई है, यानी आईडी की लाइन भी आप देख लिए और टीएच की लाइन भी देख लिए, यहाँ पे भी हमें सब कुछ ओके मिला। तो इसका जो फाइनल अब आपको चेक करना है वो हमारा डीसी पावर सप्लाई है, ठीक है मेरे भाई। तो एक बार आपको डीसी पावर सप्लाई को जो है हम चेक कराते हैं। तो हम मोबाइल फ़ोन को डीसी मशीन से चेक करने के लिए यहाँ पे वोल्टेज सेट कर लेंगे 3.9 1.6 एम्पेयर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ब्लैक को ग्राउंड और रेड को प्लस पे रखना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हम रेड को रख दिए यहाँ पे प्लस पे, और यहाँ पे आप डीसी मशीन में देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं गया। अगर मेरे भाई कोई भी रीडिंग जाती थी इससे हमें पता लगता फ़ोन में हमारे लीकेज या फिर सॉर्डिंग की प्रॉब्लम है। इसमें देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं गया। तो अब इसके बाद हम इसमें हम चेक करेंगे इसकी पावर की प्रेस करके कि क्या रीडिंग लेती है, ठीक है मेरे भाई। तो अब आपको आपको दिखाते हैं, अब हम बोर्ड को इसमें इसके पावर की में लगा लेंगे और पावर की प्रेस करके रीडिंग चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हम इसका वैल्यूम का लगा लिए, अब हम इसमें लगाएंगे पावर की लगाएंगे। तो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं डीसी मशीन लगा के, थोड़ा सा एक लोगों की हेल्प चाहिए। यहाँ पे आके पावर की प्रेस करना, इधर आ जाना, ये आपके पावर की है, इसको आप प्रेस करना जब मैं कहूँगा, ठीक है। 1 सेकेंड वेट करना, चलिए अभी नहीं, आप ट्यूजर से भी कर सकते हैं, देखिए ओके। आप डीसी 1 सेकेंड अभी निकालो, हटाओ दबाओ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही पावर की इन्होंने दबाया तो रीडिंग हमारी बहुत हाई गई, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 800-900 सीधा जा रही है। तो ये एक हमारी प्रॉब्लम होती है बक लाइन यानी पावर आईसी में कहीं ना कहीं सॉर्डिंग हो, इसके कारण से भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से दबाना, फिर से दिखाते हैं आप सबको, ये है भाई, ठीक है। एक बार फिर से दबाना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे पावर की दबाने पे 800-900 रीडिंग जा रही है। तो इससे हमें पता लगा कि इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्टिंग की है, यानी पावर की दबाने के बाद एक प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो हम इस बोर्ड को बाहर कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम एक बार इस फोन को चार्जर लगा के चेक करेंगे, ठीक है, कि चार्जर लगाने पर हमारा क्या एम्पियर जाता है, क्या प्रॉब्लम दिखती है। तो यहाँ चार्जिंग के लिए जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज सेट कर लेंगे 5.1 2.3 एम्पियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे चार्जिंग का केबल लगाएंगे और देखेंगे एम्पियर कितना जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम चार्जर लगाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी लाइट ब्लिंक कर रही है। आपको यहाँ पे कैमरे में दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लाइट इधर करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने कैमरा बंद किया तो यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, ठीक है। तो यानी जो हमारी लाइन है वो तो आ रही है। अब यहाँ पे डीसी मशीन में रीडिंग देखेंगे 500 के ऊपर गई। इस कंडीशन में तो हमें पता लगता है कि भाई
चार्जिंग आईसी काम तो करती है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड बहुत हीट हो रही है, ठीक है, इतना बोर्ड हीट नहीं होना चाहिए, चार्जिंग लगाते ही बोर्ड बहुत हीट हो रहा है। ठीक है, तो अब एक बार हम देखते हैं, ये प्रॉब्लम है कहाँ से, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। ओके ओके ओके, इसकी कंडीशन थोड़ा सा हम पीसीबी को साफ करेंगे, ठीक है, हाँ तो एक बार हम पीसीबी क्लीनर से साफ करेंगे। ब्रश लेना, यहाँ पे हम थोड़ा थिनर डालेंगे, इसको साफ करेंगे। साफ हो गया, इधर आ जाना, चालू तो नहीं है, चालू है, भी कट कर लेना, चालू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पावर आईसी लगी है 6357 मीडियाटेक की सीपीयू, सॉरी पावर आईसी लगी है, तो इसमें हमारा 6357 CRB लगी हुई, तो इसके हमारे कुछ भी लाइन है इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ये सारी हमारी बक लाइन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे हमारे स्कोर वोल्टेजेस होते हैं। सबसे पहले यहाँ की हम GR चेक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं GR इस पर भी हमें मिल गई, इस पर भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई। ओके बीप, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीप बीप, यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 तक बीप आ रही, तो ये हमारी लाइन ओके होती है, हमारी होती है EM की लाइन होती है, जो कि हमारी ओके कंडीशन होती है, इस कंडीशन में ख़राब नहीं होता, बीप के साथ वैल्यू देती है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रीडिंग हमारी, ये हमारी रैम की जो है वोल्टेज होती है, जो कि 1.2 वोल्टेज होते हैं, ये रैम की वोल्टेज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे ये रीडिंग आनी चाहिए, ये भी हमारी ओके है। अब ये हमारी VPS लाइन है, VPS लाइन चेक करेंगे, ये भी ओके है, ये भी ओके, ये भी ओके, तो एक बार हम और चेक करेंगे यहाँ पे रिवर्स बाई में, रिवर्स बाई में देखिए सेम वैल्यू नहीं मिला, जिसके कारण हमें पता लगा कि भैया हाँ ये ओके कंडीशन है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ हमें रिवर्स बाई में भी मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम एक बार इसको चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ से पता लगा कि भैया ये हमारी सारी लाइन ओके, थोड़ा सा हम इसकी बक लाइन चेक कर लेंगे, कर लेंगे, क्या क्लिक कर दो ना वो, बस रेडी है, हाँ इसकी बक की लाइन ओके हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ओके, इस पर वैल्यू मिल रही है, ओके, यहाँ पे भी GR मिली हमें, एक सेकेंड, यहाँ पे भी GR मिल गई, ओके ओके ओके, यहाँ पे भी GR मिली, ओके, ये सारी कोर वोल्टेज होती है हमारी ओके। तो एक बार इसकी पावर आईसी के हम आउटपुट सप्लाई चेक करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ से है, ठीक है, इसके बाद हम इसका कुछ करेंगे, बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो एक बार हम इसका जो है बक लाइन चेक करते हैं, वो वाला बोर्ड दे देना, इसका एक बोर्ड और था ना PCB जिसमें ये निकला था, एक इसमें ये बैटरी निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं आप सबको बोर्नियो में बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से इसमें हमारी सप्लाई बननी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारी कौन सी आई सी है, मीडियाटेक 6357 CRB, ठीक है। तो एक बार हम इसकी पूरी डिटेल आपको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आ जाते हैं अपने सिस्टम पे। तो सबसे पहले इसके हम सैस्मैटिक में चलते हैं, सैस्मैटिक में जाने के बाद यहाँ पे सोमी में जाएंगे, सोमी में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जाएंगे रेडमी 6A में, 6A 6A दोनों हमारे एक ही मॉडल है, जिसके लेआउट और डायग्राम दोनों खोल लिए हम, इसका लेआउट यहाँ पे हम खोल लिए, सॉरी डायग्राम खोल लिए, अब लेआउट खोलते हैं इसका, यानी लोकेशन आउट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जाके इसकी पावर आईसी की बक लाइन पे वोल्टेजेस चेक करेंगे हम, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके ओके ओके, तो यहाँ हमारा खुल गया, तो इसकी पावर आईसी को खोल लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं पावर आईसी लगी, जिसको हम कॉपी करेंगे U0A, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे मीडियाटेक, ये आ गए हमारी कोर वोल्टेज, यहाँ पे हमारी सारी बक लाइन निकल गई, यहाँ पे सारे हमारे फीडबैक आने चाहिए हमारी कोर वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पे आपको देख
वी कोर यहाँ पे हमारा 90 यानी एक वोल्ट से कम वोल्टेज बनना चाहिए, 90 मिली वोल्ट यहाँ पे बनना चाहिए। अब इसके बाद बीपीए वोल्टेज 1.8 वोल्टेज होता है, ये भी हमारा बनना जनरेट होना चाहिए हमारी 4G आईसी के लिए, होती है नेटवर्क सेक्शन के लिए। अब यहाँ पे S1 जो हमारी सप्लाई है हमारी लोअर एलईडी है, यहाँ पे हमें मिलना चाहिए 1.2 वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी और 4 वोल्टेज होगी, थोड़ा सा आगे और ले जाती है ये ऐसी हमारी जहाँ पे PMI लगी है, चार्जिंग आईसी उसी के पास लगी है, यहाँ पे लगी है, ये लगा हुआ है। कॉइल को कॉपी करेंगे यहाँ पे, हम इसी के सीरीज में सारी कॉइलें लगी हैं, अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे। जहाँ पे हमें 90 मिली वोल्ट 1.2 वोल्टेज हायर LDO लोअर LDO, तो इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इसमें भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पावर लगा लेंगे, चार्जर लगाने के बाद इसकी हम वोल्टेजेस को चेक कर सकते हैं कि हमारी वोल्टेजेस बन रही हैं बकलाइन या नहीं बन रही। यहाँ पे इसको हम चार्जर लगा लें, 1.3 की नहीं बनेगी, यहाँ पे इसको हम चार्जर में कनेक्ट कर लें, नहीं होगी। ये आप देखेंगे हमारी पावर अभी हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी पूरी यहाँ पे हमारी रीडिंग जो है बहुत कम जा रही है, आप देख सकते हैं बहुत कम जा रही है, 4-5 तक ही जा रही है। बैटरी लगा लें, तीस 36 तक ही गए, तो ये सारी यहाँ पे हम इसकी बक लाइन की चेकिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारी BPH बन रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 हमारी BPH लाइन बन रही है, इस पर भी हमारा BPH ही है, और यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्टेज बनना चाहिए जो कि आप देख सकते हैं नहीं बना, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज बनना चाहिए नहीं बना, यहाँ भी बनना चाहिए नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अब कुछ ना कुछ तो वोल्टेज का मतलब हमारी अगर कोई वोल्टेज नहीं बन रही, जाहिर सी बात है पावर आईसी खराब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ हमारा 2.1 वोल्टेज बनना चाहिए। यहाँ पे आप ये वाली कॉइल देख सकते हैं, ये जो हमारी यहाँ पे साइड में कॉइल लगी है वाली, ये वाली कॉइल, यहाँ पे हमारी 2.2 वोल्टेज बनना चाहिए, यानी हमारी हायर LDO है। एक बार इसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं नहीं बन रहे, तो यहाँ पे भी देखिए हमारे वोल्टेजेस नहीं बन रहे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लाइन जहाँ पे प्रॉब्लम दिखी थी, यहाँ पे 1.8 की वोल्टेज होती है यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पे, यहाँ पे लाइन नहीं मिली, यहाँ पे शॉर्ट मिला, इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एक बार हम इसे निकाल के आईसी को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एक सर्किट होती है जो कि हमारी PMI 6357 के लिए, 6357 को जो आईसी होती है उसको एक्टिवेट करने के लिए हर फोन में एक आईसी 6 पिन 8 पिन की आईसी लगी होती है, पिन वाली आईसी जो बक लाइन को जनरेट करती है 1.2 S2 की, उसमें सप्लाई जाती है 1.8 की, और हमारी 1.2 की सप्लाई वो एक्टिवेट यानी आउटपुट देती है जब जाके हमारा ये आउटपुट होता है। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं आईसी कहाँ है, C2817 इसकी आउटपुट में चेक करेंगे अगर इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार देखेंगे सारी सप्लाई कहाँ से आ रही है, ये S2 की सप्लाई हम देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ से हम S2 पे जाएंगे, S2 तो इसमें है नहीं, तो एक बार हम IC का नंबर डालेंगे U2001, एक बार इसको हम डाल देंगे, ठीक है। एक बार S2 पे हम जाएंगे, यहाँ पे भी नहीं है, S2 की सप्लाई हमारी कोडक IC है, S2 यहाँ पे भी नहीं है, बाकी तो S2 से जाती है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। यहाँ से मानी निकल ली 1.2 सप्लाई, इसको हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके देखेंगे हमारी बक की लाइन पे जा रही है, बक आईसी देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं एग्जिट बक फॉर BS2,
यानी BS2 की सप्लाई है। IC जब तक जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे हमारी PG भी आती है जो आपकी फोन गुड की लाइन होती है 1.8, ये भी यहाँ पे आती है। उसके बाद AN के लिए 1.2 की सप्लाई आती है जो कि यही IC देखी तब जाके IC हमारी एक्टिवेट होगी। ठीक है, तो ये IC हम देखते हैं कहाँ लगी तब जाके IC हमारी एक्टिवेट होगी। यहाँ पे देखते हैं ये IC यहाँ लगी, थोड़ा सा इसका पीछे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IC हमारी पीछे लगी है, कहाँ लगी है थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये IC हमारी जहाँ पे PMI लगी है, चार्जिंग IC उसी के पास लगी है, तो यहाँ पे लगी ये लगा हुआ। एक बार इसके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, ये लगी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे साफ करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं खराब होने के दूसरा 255 किलो का लगा के रखे हैं। ये IC हमारी पावर IC को एक्टिवेट कर, कोई भी पावर IC हो जब तक ये नहीं जाएगी एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सप्लाई जब तक एक्टिवेट, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाली सप्लाई हमारी, जब तक ये सप्लाई हमारी 1.3 की नहीं बनेगी 1.2 की, तब तक हमारी पावर IC एक्टिवेट नहीं होगी। ये आप देखेंगे हमारी पावर IC में ही जाएगी। ठीक है, तो इसकी पूरी हम सर्किट को चेक करते हैं सबसे पहले कि हमारी आ रही है नहीं आ रही है। तो फोन में हम बैटरी लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको चार्जिंग कनेक्टर भी लगा लेंगे और यहाँ पे बैटरी लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे BPH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा इसका BPH मिलता है, फिर इसके कैपेसिटर पे हम चेक करेंगे BPH मिल रहा है नहीं। यहाँ पे कैपेसिटर BPH की लाइन है C28016, तो यहाँ पे इसको कॉपी किए देखते हैं कहाँ लगा है। यहाँ पे लगा है जस्ट यहाँ पे IC के बगल लगा, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे BPH लाइन बन रही है नहीं बन रही। तो ये चीज आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा यहाँ पे दो कैपेसिटर, इसके नीचे यहाँ पे BPH बनना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा BPH बनना चाहिए जो कि देखिए आप 4.17 बन गई। ठीक है, इससे पता लगा इसकी इनपुट तो ओके है। अब इसकी EN सिग्नल चेक करेंगे। अब EN यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे S1 की सप्लाई है, TP भी देखेंगे, यहाँ पे TP पॉइंट होगा। ठीक है, अब TP का पिन कितना, एक बार देखते हैं TP2, यहाँ पे देखेंगे TP2 कहाँ है। यहाँ पे हमारी 1.2 की सप्लाई बन, 1.8 की सप्लाई बननी चाहिए, ये TP2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारी PG की सप्लाई आएगी, थोड़ा सा देख तो यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद ही ये वोल्टेज बनेगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए कोई वोल्टेज नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसमें चार्जर लगाएंगे यहाँ पे वोल्टेजेस बनेंगे। आप देख सकते हैं चार्जर लगा ली फोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप आके चले जा रहे हैं, ये भी नहीं आ रही। ओके, ये भी नहीं आ रही, चलिए ये भी छोड़ देते हैं, नहीं आई। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या हमारी यहाँ पे अनेबल, जब यही नहीं आएगी तो EN भी नहीं आएगी। EN के लिए हम चेक करेंगे, S1 की सप्लाई ही नहीं बन रही तो चलेगा कहाँ। ठीक है, इसकी आउटपुट में हम चेक कर लेंगे क्या हमारी सर्किट सही है। यहाँ पे हमारी क्वाइल, यहाँ पे कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर का नंबर है C2817। इसके आउटपुट में चेक करेंगे, अगर इसकी मिल गई तो क्या हमारी IC चल रही, काम कर रही है। तो यहाँ पे इसके 1.2 वोल्टेज बनने चाहिए, यहाँ पे जस्ट इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज कम ज़्यादा हो, यहाँ पे आप देखिए 3. ये हीट भी हो रहा है, चलिए कोई नहीं। एक बार यहाँ पे देखेंगे ये हीट क्यों होता है। फोन आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये फोन बहुत ज़्यादा हीट होता है, ये क्यों, इसकी सर्किट एक बार चेक करते हैं। ये आउटपुट भी नहीं दे रहा, आउटपुट देगा तभी ये जाके हमारी पावर IC चालू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, ये जब वोल्टेज आउट करता है तो हाई वोल्टेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज तो बन रहा है लेकिन इतना नहीं बनना चाहिए जितना बन रहा है। देखिए, इसी वजह से हमें लगता है कि हमारी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लगाए, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है 4.3, यहाँ पे देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। लेकिन जैसे हम यहाँ पे चार्जर लगा देते हैं, यहाँ पे हमारा वोल्टेज बन रहा है कितना, 3.7, जो कि यहाँ पे कितना बनना चाहिए 1.3। यहाँ पे हमारा जो बक की लाइन, बक कन्वर्टर, ये आउटपुट करता है S2 की सप्लाई, यहाँ से आउटपुट कर रहा है, यहाँ पे आपको वोल्टेज बनना चाहिए 1.3। थोड़ा सा इसका ध्यान से दिखाइएगा, फिर से एक बार दिखाते हैं इन लोगों को।
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारी कितना वोल्टेज बनना चाहिए 1.2, लेकिन यहाँ पे कितना बन रहा है 3 वोल्टेज बन रहा है, कितना बन रहा है 3 वोल्टेज, 3.7 वोल्टेज बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सर्किट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल डाउन सर्किट तैयार की गई है, ठीक है। अब ये पुल डाउन सर्किट के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे क्या ये सब कुछ कंप्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 किलो का रजिस्टर लगा के रखें, जिसकी चांसेस है 1% खराब होने के। दूसरा 255 किलो का लगा के रखें वोल्टेज को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये रजिस्टर देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रजिस्टर R2816, देखते हैं रजिस्टर कहाँ है। तो यहाँ पे हमारा R2816, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर, कैपेसिटर के बगल एक छोटा सा रजिस्टर उसके जस्ट ऊपर लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे बैटरी निकाल देते हैं हम अभी, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है देख सकते हैं आप, ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू भी चेक करते हैं कितने किलो का है। तो 200 किलो पर करनी है यहाँ पे कर लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे 255 किलो का होना चाहिए। आप देख सकते हैं 220 किलो का है, सर्किट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 किलो का दिखा रहा है, ठीक है। अब ये तो ओके रहा, अब एक रजिस्टर और लगा हुआ है तो ग्राउंड से लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, इसको हम एक सिरा इसका ग्राउंड से होगा, देखिएगा बीप आ गई, एक साइड वैल्यू आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, पुल डाउन रजिस्टर, क्या है पुल डाउन रजिस्टर, ये वोल्टेज को डाउन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे R2817 देखेंगे आप, तो ये यहाँ पे लगा, ठीक है, R2817 देखेंगे, ये हमारा यहाँ लगा है R2817, तो यहाँ पे देखेंगे R2817 कहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा R2817, एक बार इसका ठीक से हम लोग लोकेशन देखेंगे, तो यहाँ पे देखे R2817 ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर के जस्ट बगल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारी जो पावर आईसी भी जो हीट हो रही है इसी के खराब होने से हुआ है, कि यहाँ पे हमारी R2817 इसमें है ही नहीं, ठीक है, जिसके कारण हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट तैयार हो ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो चालू हो ही नहीं पा रहा। तो हम एक बार इसको रजिस्टर को देखेंगे कहाँ है, किसी ने निकाला है या गल गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम सर्किट को रेडी करके चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम है या नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी वोल्टेज बनेगा, ठीक है। तो एक बार इसे हम सर्किट को देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा है ही नहीं, यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर लगा होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्टर यहाँ पे लगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले सर्किट को तैयार करेंगे, आप PPT दे देना, फ्लैग पेस्ट दे देना, एक बोर्ड इसमें का खराब पड़ा था ना अपने पास, उसमें पड़ा होगा, देख लेना डिब्बे में। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर लगा था, इसमें से हम निकाल लेंगे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, ठीक है, इसको हम निकालेंगे वापस, इसको हम इस फोन में इसमें लगा लेंगे, तो इसको यहाँ पे रख देंगे और हीट कर देंगे, यहाँ पे इसको हम वापस इसमें लगाएंगे, हमारा रजिस्टर लग गया, ठीक है।
ठंडा होने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रजिस्टर को हम लगा लिए। अब ये रजिस्टर की वैल्यू भी आपको चेक करके दिखाते हैं कि कितने किलो का है। तो यहाँ पे भी हमारा 200 किलो का है, तो 200 से ज़्यादा है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेगा, रख लेगा। इसे ट्यूजर में लगा लेंगे। सेम जहाँ लगाए तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम ही होगा। एक्चुअली मल्टीमीटर का हमारा प्रॉब बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लगा के चेक करेंगे। चार्जर ही लगा लेंगे। अभी देख सकते हैं आप हमारी रीडिंग वापस जाने लगी ठीक से। एक बार इसमें चार्जर लगाएंगे और डिस्प्ले लगाएंगे, देखेंगे फोन ऑन हुआ क्या। फोन ऑन हो गया, देख सकते हैं आप। दिखा दीजिए इसमें प्रॉब्लम आएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखाना इधर दिखाना। हाँ मल्टीमीटर उसमें दिखा देना, उसमें रोके हो गया, लग गया। फोन को ऑन करेंगे, डीसी मशीन में आप लगा लिया। अब आप यहाँ देख सकते हैं फोन हमारा ऑन हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें दिखी थी, देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। अब इसमें देखिए एक प्रॉब्लम ये आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ग्राफिक्स हमारे आ नहीं रहे, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम किसका होता है ये हम आगे वीडियो में बनाएंगे। ये हमारा सीपीयू की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमारी पावर आईसी की, हमारी जीपीयू में जाने वाली सप्लाई, हमारी जीपीयू में जो सप्लाई जाती है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो आप इसको जूम करके थोड़ा सा दिखा देना कि इस वीडियो पे, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको वीडियो डालेंगे इस पे कि अगर आपके पास Redmi 6A में अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम होती कहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे इसी टॉपिक पे। तो कल की टॉपिक में हमारा यही वीडियो होगा। अभी हमारा फ़ोन ऑन हो गया, आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए लगा दी, एक बार बंद करके फिर से चालू कर लिया। चालू हुआ, ठीक है। अब ये क्लियर, चलो।